हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि वेपर प्रेशर है क्या। ठीक है, आइए हम यहाँ पे एक चित्र बनाए, देखिए यहाँ पे है ना। हम पहले क्या करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये एक बॉटल है। ठीक है, इस बॉटल में आप देखिए ये लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड की फ्री लिक्विड सरफेस बोली जाएगी, और इसको हमने ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया है तो आप जान रहे हैं कि इसकी जो फ्री लिक्विड सरफेस है उस पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये वायुमंडलीय दाब इस पर लग रहा है, तो जो फ्री लिक्विड सरफेस होती है उस पर जो आपके जो सरफेस होती है उसके जो मालिकूल्स होते हैं, उसके जो मालिकूल्स होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है, वो प्रयास करते हैं क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से स्केप कर जाए। स्केप मतलब यहाँ के मतलब फ्री लिक्विड सरफेस छोड़ के ऊपर चले जाएँ, फ्री लिक्विड सरफेस को छोड़ के ऊपर चले जाएँ, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लगा रहता है। अगर इसका जो लिक्विड हमने इसके अंदर लिया, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, क्या हो 30 डिग्री सेल्सियस हो, चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान क्या है कि अब उसके कारण क्या ये स्केप नहीं कर पा रहे हैं। जब ये स्केप नहीं कर रहे, स्केप करने को ये इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है जिससे वो इस फ्री लिक्विड सरफेस को छोड़ के वेपराइज हो जाए, क्या हो जाए, वेपराइज यानी वाष्पीकरण इनका हो सके। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हीट देना शुरू किया, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। जब हीट देना शुरू किया तो इनकी एनर्जी बढ़ने लगती है, इनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है तो ये क्या करते हैं, अपनी सरफेस को छोड़ कर ऊपर चले जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब सर, अब देखो जिस टेम्परेचर पे ये मतलब क्या होते हैं, ये बॉयल करने लगते हैं, बबल्स के फार्म में बनने लगते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये क्या बोलते हैं, बॉयल करने लगते हैं, बबल्स करने लगते हैं, उसको हम सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे और कहे कि वाटर जो है क्या बोलते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो आप कह दोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा कभी मत कहना। आप कहिए सर प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता है तब आप कहिए क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा। नहीं तो अगर प्रेशर आप बढ़ा दोगे, अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बॉयल करेगा, बल्कि 100 से अबव बॉयल करेगा, जो हम यहाँ पे डायग्राम में आपको बताने का प्रयास। देखो ये वाला जो रेड कलर वाली है ये गया है, देखो यहाँ पे ये डी जो देख रहे हो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे यही क्या, सैचुरेटेड टेम्परेचर है। क्या है, सैचुरेटेड टेम्परेचर बोला जाता है, नहीं संतृप्त तापमान। क्या होता है अभी हम समझाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे देखो ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये ब्लू कलर की, यहाँ पे देखो ये जो बना हुआ है ये इससे ऊपर चला गया है। अब सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है, क्योंकि प्रेशर का मान बढ़ गया है। प्रेशर आपका P1 ग्रेटर देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और आप यहीं पे देखो ये वाली लाइन ऐसे ऐसे आई है ना, तो ये आपका इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे वाली लाइन है P2, तो क्या लगेगा P2 इज लेस देन आपका PA। तो अब क्या, आप देखो ये बॉइलिंग पॉइंट जो आपका डी था वो आपका घट गया है, यानी वो आपका 100 से कम पे भी बॉयल कर सकता था। 100 से कम मान लो 90 पे बॉयल कर गया, 90 पे बॉयल कर गया। जब 90 पे बॉयल कर जाएगा तो वही उसका क्या होगा, सैचुरेटेड टेम्परेचर बोला जाएगा। और उस प्रेशर को जो उस समय लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे बाबू, आपका वेपर प्रेशर कहेंगे, या तो बॉयलिंग प्रेशर कहेंगे, या उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर भी कह सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही होगी शायद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आपकी किताब में परिभाषा दी गई है उसकी बातें करते हैं। क्या करते हैं, उसकी बातें करते हैं। अब हमने क्या किया, यही जो हमारा कंटेनर हमने जो लिया बॉटल, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ढक देते हैं। अब इसको हीट देते हैं, अब इसको हीट दे रहे हैं। अभी भी इसके सरफेस पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। अभी भी इसकी जो सरफेस है फ्री लिक्विड सरफेस, उस पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, अब जो आपका यहाँ पे जब आप हीट दे रहे हो, जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, हीट जब दोगे आप तो इसके इसके जो ये मतलब फ्री लिक्विड सरफेस के जो मालिकूल्स होंगे उन्हें काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे, फिर वेपराइज होंगे, लेकिन उनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है।
बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो इसी के अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो ये क्रिया जो मतलब क्या बोलते हैं, जो जो फ्री लिक्विड सरफेस होती है वहाँ के जो मालिकूल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्री मालिकूल्स हैं वो जो क्या बोलते हैं कि जो ऊपर जाते हैं तो इसमें भरते रहते हैं, ये जो गैप है खाली स्थान जो वैक्यूम बना हुआ उसमें इकट्ठा होते रहते हैं, तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ फिगर हम दिखाते हैं आपको, यहाँ के ये वाले जो हैं वो रेड कलर से ही दिखा रहे हैं, यहाँ पे मालिकूल्स ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मान लो ठीक बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो स्केप कर जाते थे लेकिन अब यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब यही जो आपको क्या करेंगे, इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो बढ़ने के बाद क्या होगा, बाद में इसका क्या होगा, इसको इस क्रिया जो आपका फ्री लिक्विड सरफेस छोड़ के जो जा रहा है उसे वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, वाष्पीकरण बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, बाद में क्या होगा, यही जो आपकी मतलब जो मतलब मालिकूल्स हैं, ठीक, जो वेपर फार्म में हो गए हैं, वही क्या होंगे आपके, जब ऐसे होते जाएंगे फिर यही जो मालिकूलों की संख्या बढ़ती जाएगी तो यही मालिकूल क्या करेंगे आपको, फिर कंडेंस भी होंगे उनमें से कुछ मालिकूल्स, तो एक समय ऐसा आएगा जो वेपोराइजेशन होगा वो कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है वो मतलब जो कंडेंसेशन के प्रोसेस के बराबर हो जाएगा, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको हम सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अब देखो इस पे मास करीब प्रेशर तो पहले से लग रहा था, इस पे इसकी जो फ्री लिक्विड सरफेस थी यानी PATM, ठीक है, और प्लस अब आपका जो ये जो मालिकूल्स थे जो वेपर के पार्टिकल हैं उसके द्वारा इसकी जो सरफेस है ना इस पे भी दाब लगने लगेगा, इस पे दाब लगने लगता है, इसी को हम बोलते हैं वो वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब ये आपका था ना, इसमें मान लीजिए कंटेनर था, ठीक है, इसको हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया, जब हीट दिया तो यहाँ के जो फ्री लिक्विड सरफेस के जो मालिकूल्स थे, जो अणु जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक, द्रव के जो अणु थे वो क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे, तो इसमें धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर वही जो आपका जब वेपराइजेशन बंद हो जाता है, मतलब वेपराइजेशन कम बंद हो जाता है, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा तो वेपराइजेशन बंद हो जाएगा, तो इसमें पूरा भर जाएंगे, तो वही इस सतह जो आपकी जो देख रहे हो ये इस सरफेस पे क्या करेंगे, एक दाब लगाने लगते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, बात में समझ में आई। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार उठता है कि क्या बोलते हैं सर, जैसे ओपन बर्तन हो, मान लो यही हो, ठीक है, यही हो, मान लो कुकर, ठीक है, कुकर को ढक्कन हमने नहीं लगाया इसके ऊपर, अब खाना बनाए, अब एक कुकर ऐसा हो जिसमें हम ऐसे क्या बोलते हैं कि ढक के खाना बनाएं, तो हम देखते हैं क्या बोलते हैं कि जो कुकर में ढक्कन लगा हुआ होता है उसमें क्या खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है, इसका भी रीजन यही समझ लेते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। आप देखो दोस्त, ये मान लीजिए एक बर्तन है जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, बंद नहीं है, ओपन है, ये क्या है, ओपन है। अब जब ओपन होगा तो क्या होगा आपका, इसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, गैस आप उतना ही दे रहे हो यहाँ से। अच्छा, यही बर्तन है जिसको हमने ढक दिया मान लीजिए, अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, अब इसके अंदर जो आपका वेपर इकट्ठा हो रही है उसका भी इस पे प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, और हम जानते हैं प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही हमेशा है, तो इसके अंदर का जो है जो भी मतलब वाटर है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला वाटर जो होगा वो कितने में बॉयल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बॉयल करेगा, ये आपका उतने ही टाइम में कितने में बॉयल कर जाएगा, मान लो 110 या 120 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर जाएगा, ठीक, गैस इतना ही लग रही है, यहाँ भी वही टाइम यहाँ पे भी है, लेकिन क्या बोलते हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, अब वो वाला जो मतलब लिक्विड है उसमें अगर आप खाना बना रहे हो ढक के तो वो इसीलिए क्या होता है जल्दी पक जाता है। रीजन समझ में आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, यहाँ वेपर प्रेशर को बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर से हम ढक्कन लगा देते हैं। बात समझ में आ रही होगी शायद, हाँ बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में होगी। चलिए अब एक चीज़ हमें समझना है, एक चीज़ समझना है सर, ये क्या लिखे हैं इसके थोड़ा सा समझा दीजिए,
तो आइए हम समझाते हैं। तो आपकी किताब में जो दिया वेपर प्रेशर, हमने उसको समझाने का प्रयास किया है ना। अभी तो वेपर प्रेशर के बारे में अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी और बातें बताएंगे कि मतलब कपड़े तो गर्मी के दिनों में क्यों जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी के मौसम में नहीं सूखते हैं, या बरसात के मौसम में पसीना क्यों आता है, है? बहुत सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब हम इसमें बताएंगे, है ना। पहले हम ये सीखते हैं क्या हम ये सब लिखे हैं। हम बाबू इसको लिखे थे इसी चीज़ को समझाने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि आपको क्या बोलते हैं, पहले इसके बारे में बता तो नहीं थे, आपको पहले ये बताने लगूंगा। आप सोचोगे कि मतलब क्या उनसे लेक्चर दे रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर और बातें इसकी कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा वो समझ लेते हैं क्या है। देखो दोस्त, हम जानते हैं हीट जो होती है दो तरह की होती है। क्या हीट दो तरह की होती है? एक होती है आपको सेंसिबल हीट, जिसको हम गे उष्मा कहते हैं। हीट मतलब उष्मा, गे उष्मा, हीट मतलब हीट एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है। गे उष्मा एंड सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, ठीक। तो आपसे कोई पूछ सकता है सेंसिबल हीट होती क्या है, तो आप बताओ कि सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बढ़ता करता है लेकिन फेज चेंज नहीं होता है। आपके मन में आएगा सर फेज क्या होता है, पहले फेज समझ लेते हैं। फेज का मतलब क्या है, जैसे आपका सॉलिड मान लो बर्फ है, ठीक। अब उसको अगर आप हीट दोगे तो लिक्विड में बनता है, अब उस लिक्विड को और हीट अगर आप देते हो तो क्या देता है, गैस के फॉर्म में हो जाता है। इसे फेज का चेंज करते हैं। अच्छा, अब क्या करो, उसी वेपर को इकट्ठा किए रहो, उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या करो आप खींच लो, तो क्या हो जाएगा, वो जो गैस है यानी वेपर है, इसको वेपर बोल सकते हो, जो वेपर है अब क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड के टेम्परेचर और कम कर दो, फिर आपके बर्फ के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फेज का चेंज हुआ, मतलब सॉलिड से लिक्विड ये फेज का चेंज हुआ, लिक्विड से गैस वो फेज का चेंज, या वेपर से लिक्विड वो भी फेज को चेंज बोला जाएगा, और लिक्विड से जो आपका सॉलिड बन रहा है उसे हम फेज का चेंज करते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक। अब एक चीज़ और समझते हैं सर, सेंसिबल हीट जो बताए आप, जिसमें टेम्परेचर और बढ़ता करता है, फेज चेंज, थोड़ा हमें बताइए सर। आओ यहाँ डायग्राम से आप यहाँ देख रहे हो बाबू, हमने क्या किया है, ये एक बर्फ लिया है, -25 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, ठीक है। बर्फ होगी तो सॉलिड फॉर्म में होगी, नहीं होगी, होगी ना। अब हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया। देखो यहाँ पे हमने हीट देना शुरू किया, देखो हीट है, ये आपका टेम्परेचर बढ़ाएगा। हीट जब धीरे धीरे दिया, देखो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी -25 से -24 -23 -20 -15 -10 -2 -1 फिर जीरो आएगा। बताओ जीरो आपका यहाँ पर आएगा, देखो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आपका पानी बन गया। क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ क्या है, यहाँ बर्फ है। यहाँ पे 0 डिग्री वाले पॉइंट पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। अब और अगर ही, अब देखो यहाँ से ए से बी तक बताओ क्या फेज में चेंजिंग हुआ, नहीं। कहोगे कैसे सर, अरे यार सॉलिड बर्फ था 25 डिग्री सेल्सियस का, तो बर्फ ही तो है, ए पे भी बर्फ है, बी पे भी बर्फ है, तो यहाँ पे फेज चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा। देखो यहाँ से टेम्परेचर आपका धीरे धीरे बढ़ा, तब जाके जीरो हुआ। बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो, अब अगर और हीट दे रहे हो आप, तो बी से सी यहाँ पे धीरे धीरे बर्फ अब पिघल रही है, यहाँ पे आके पूरा पिघल गई सी पॉइंट, लेकिन टेम्परेचर देखो क्या 0 डिग्री सेल्सियस ही, टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस ही। तो यहाँ पे बी से सी, यहाँ पे बर्फ थी, यहाँ पे क्या है पानी हो गया, यानी वाटर हो गया, तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस क्या क्या था, वाटर, इसलिए इसे डबल पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट भी बोला जाता है। बाद में समझ में आ रही है, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मेल्टिंग कहते हैं। ये पिघल रहा है ना, बी से बर्फ क्या हुई, पिघल कैसे हो गई, इसे मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है जब आप ऐसा करते हो। अब देखो, अब अगर आपने फिर टेम्परेचर मतलब हीट देना शुरू किया, जब आप फिर हीट देना शुरू करोगे, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पानी धीरे धीरे इसका टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हो गया, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पानी का, ये क्या बोला जाएगा, सेंसिबल हीट बोला जाएगा। फार्मूला क्या था, क्यू बराबर डेल्टा क्यू बराबर था mc × δT होता है। बस समझ में इसी से, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, यहाँ पे मतलब क्या इतना बढ़ गया। अच्छा अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, बताओ फेज में चेंज हुआ सी से डी, नहीं हुआ, इसलिए कौन सी हीट दिया हमें, सेंसिबल हीट दिया। ओके, फार्मूला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद डी से ई, फिर हमने हीट देना शुरू किया जब, अच्छा कौन सा प्रेशर है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैंने पहले बताया।
अब देखो यहाँ आपका क्या हुआ, अब जब देना शुरू किया तो अब यही जो आपका 0-100 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, अब उसका फेज चेंज होना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे वो वेपर में चेंज होने लगा, मतलब स्टीम के पार में, यहाँ के पूरा स्टीम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, यहाँ पे 100 E पे क्या 100 डिग्री सेल्सियस क्या बाबू स्टीम है, यानी वेपर है, वेपर है, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन, अच्छा अब जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगा, यहाँ बॉयल कर रहा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये क्या कर रहा है बॉयल कर रहा है, तो इसको सैचुरेटेड टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड टेम्परेचर बोला जाता है। बाद में समझ में आ रही है, देखो लिखा इसे TS, यहाँ पे 100 क्या है सैचुरेटेड टेम्परेचर बोला जाता है, संतृप्त तापमान, ठीक, बाद में समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो ध्यान से, यही पे एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो, मान लो आप क्रिमिनल हो, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम हो, तो किससे आप जलना पसंद करोगे। अगर मान लो आपको जज साहब ने ऐसा किया, भैया 100 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर है, 100 सेल्सियस स्टीम है, आपको चॉइस करना है किससे जलना पसंद करोगे, तो आपको क्या जवाब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। कहोगे क्यों, क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस के पास हीट जो है कम है, मतलब जलोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन स्टीम से अगर जल गए ना बाबू तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, बात समझ में आ रही है। थोड़ा एक बात और समझिएगा, अब यहाँ स्टीम बन चुकी है, अब इसको और हीट दो, और हीट दो, और हीट दो, क्या हो जाएगा आपका, अब उस स्टीम का मतलब क्या, वहाँ वेपर है ना, इस वेपर को स्टीम, वेपर गैस और आइडियल गैस में भी अंतर होता है। वेपर में क्या होता है, वेपर को आसानी से क्या किया, लिक्विडफाई किया जा सकता है, गैस को क्या होता है, वेपर की तुलना में अधिक मशक्कत करके लिक्विडफाई किया जा सकता है, लेकिन आइडियल गैस जो होती है ना उसे लिक्विडफाई नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब क्या किया हमने, यहाँ से मतलब हीट देना शुरू किया, अब उसके अंदर के जो वेपर पार्टिकल बताओ कम होंगे, वो और स्टीम की क्वालिटी बेहतर होगी, ये आपका सुपर हीटेड स्टीम बोली जाती है। तो टी सूप देखो लिखा गया है यहाँ पे, लिखा गया ना, और ये जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या वेपर प्रेशर बोल देते हैं, बॉइलिंग प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, आगे आओ एक बात और करते हैं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूँगी इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग प्रोसेस, क्या कहा जाता है इसको, हीटिंग प्रोसेस, क्या कहा जाता है, हीटिंग प्रोसेस, ठीक। इसी चीज़ को हमने देखो यहाँ पे दिखाया, ए से ये वाला, ठीक, ये इसकी बातें मैंने यहाँ पे किया, बट ये वाला जगह हम मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का, अभी हम इसके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक, और समझाई देते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यही जो बर्फ थी उसको हमने हीट देना शुरू किया। देखो जब भी लिक्विड को हीट दिया जाता है, ठीक है, तो पहले उसका वॉल्यूम क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक देखो बढ़ता है, देखो 0 से -25 डिग्री सेल्सियस ना, जीरो बर्फ अगर -25 डिग्री सेल्सियस की है तो अगर आप उसको हीट दोगे, ठीक, तो पहले क्या होगा आपका, उसका जो वॉल्यूम होगा बढ़ेगा, कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जब हीट दोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा आपका, देखो आपका इधर आने वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होता है, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम फिर कम होना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ ही तो भी है। अच्छा फिर उसके बाद अगर आप हीट दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक फिर उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, देखो ये बनाया गया, इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा कम किस पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम का मान क्या है, सबसे कम है। और हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम वी बराबर होता है 1/ρ होता है, तो बताओ रो क्या होगा आपका, 1/V हो जाएगा। तो जब इस पे आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम का मान सबसे कम है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्या बोलते हैं टेम्परेचर पर डेंसिटी का मान कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है, आज क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस। ये सब चीज़ें हम थर्मल में पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं बाबू, फिर हम हीट देना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से 4 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका फिर क्या बोलते हैं वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है। उसके बाद क्या है, फिर अगर हीट देते हैं तो उसका जो वैल्यूम है बे इंतहा बढ़ता है, बहुत तेज बढ़ता है। देखो इस चीज का मतलब टाइम पड़े होंगे, इसका मतलब होता है बे इंतहा, मतलब बहुत तेजी से, इस साइन का मतलब यही होता है।
फिर आपका क्या बोलते हैं कि बैलून फिर अगर हीट देते हो तो और ज़्यादा बढ़ता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिखाया गया है। तो ये बात समझ में हीटिंग प्रोसेस की बात है। ठीक, थोड़ा सा एक बात और जान लो, एक होता है कूलिंग प्रोसेस, इससे में क्या आता है कूलिंग प्रोसेस की बातें करते हैं। आइए, अब देखो ये स्टीम बन चुकी है, अब इसकी हीट को अगर हम कम करें, हीट को अगर कम करें तो क्या होगा, पहले क्या बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगी यहाँ पे स्टीम बनेगी, बनेगी यानी वेपर बनेगी। अब उसके हीट को और कम कर दिया जाए, अच्छा इसको क्या कहोगे, डी सुपर हीटिंग। क्या किया आपने, डी सुपर हीटिंग या अटेम्पोरेशन बोला जाता है, क्या बोलते हैं अटेम्पोरेशन बोला जाता है। ओके, अब आपने क्या किया और हीट कम किया तो यहाँ पे क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया वाटर हो गया हुआ। तो इसको क्या कहा जाएगा बताओ, इसको क्या बोला जाएगा बताइए, इसको कहा जाएगा कंडेंसेशन हो रहा है। क्या बोला जाएगा बाबू, इसी को कंडेंसेशन बोला जाता है। देखो बात को ध्यान समझना, ये आपका यहाँ टी साला आपको यहाँ पे स्टीम था, ये वेपर था, इस वेपर को हमने क्या किया है इसकी हीट को और निकाल दिया, तो क्या हो गया आपका, ये आपका जो वेपर है अब आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया है, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आओ, क्या इससे रिलेशन नहीं था इसका, मतलब यहाँ पे जो आपका वेपोराइजेशन हुआ था डी से ई जब हुआ था, इवेपोरेशन हो रहा था और जो कंडेंसेशन हो रहा था, यानी रेट ऑफ जो इवेपोरेशन था वाष्पीकरण जो हो रहा था और रेट ऑफ जो कंडेंसेशन और जो संघनन बोलते हैं, संघनन का मतलब जानते हो क्या होता है, वेपर से लिक्विड में बदलने के जो प्रोसेस होते हैं उसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड से वेपर में जो बदलने की क्रिया होती है किसी लिक्विड की उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं यानी वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे बात आई थी ना, इसीलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, तो अब बताओ ये जो आपको आता है तो इसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब आपका डी से ई यानी वाटर से वेपर बनना और वेपर से वाटर बनना कि जो दर है जब समान हो जाती है, जब समान हो जाती है तो वो जो इसके अंदर के जो मालिक्यूल्स होते हैं, एस्केप वाले जो मालिक्यूल्स हैं इसकी फ्री लिक्विड पर क्या करते हैं एक प्रेशर लगाने लगते हैं, दाब लगाने लगते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं, और उस समय का जो टेम्परेचर होता है ना उसे सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं, यानी संतृप्त हो जाता है। जैसे आपको भूख लगी हो, आप खाना खा लिए हो, आप खाना खा लिए और कोई फिर कहे भैया फिर खाओ, तो आप कहोगे देखो यार हम संतृप्त हो चुके हैं अब हमें नहीं खाने की ज़रूरत है, बस शुरुआत में वेपराइजेशन हो रहा था, मतलब शुरुआत में खाना खा रहे थे, फिर एक पोजीशन आ गई कि आप कहो अब नहीं खाएंगे यार मैं संतृप्त हो गया हूँ। ठीक, यही इसकी पोजीशन है, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो हो रहा था और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाता है तो उसे हम सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर उस समय के प्रेशर को बोला जाता है। बात समझ में रही है, चलिए ये आपको तब होगा जब आपका क्या हो ढक्कन पूरा क्या हो बंद हो, अगर बर्तन की बात कंटेनर की बात करोगे तब की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, अच्छा अब समझ में आया मैंने क्यों बताने का प्रयास किया। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर आप फिर हीट आप निकालो इसकी, अब हीट फिर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका 90 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा। ऐसा ही आपको फ्रिज में होता है, जो का रेफ्रिजरेटर होता है उसमें यही सब होता है। अब इसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं इसकी हीट और निकालो, तब फिर देखो फिर इतना जल जाएगा यानी आपका बर्फ हो जाएगा, और ज़्यादा करना चाहते हो तो डीप फ्रीजिंग बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। हाँ, पेपर में अगर आता है वेपर प्रेशर तो आप आराम से परिभाषा लिख दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक बात और समझाना मुझे, कहोगे क्या समझाना चाहते हो सर, आओ इस फिगर के बारे में आपसे बातें करते हैं। तो अभी फिलहाल हमने आपसे ये बातें की, ये रेड कलर वाली लाइन के बारे में मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये आपका जो आपका ये मतलब बर्फ जो थी उसका वैल्यू कम हो रहा था, फिर आपने और हीट इसको दिया तो इसका मतलब क्या बोलते 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू और कम, यानी सबसे ज़्यादा जो सबसे कम बर्फ का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे यानी वाटर का, उस समय डेंसिटी का मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला आपको बताया, ये कंपटीशन में पूछा हुआ है। अब अगर आप हीट देते हो तो मैंने बताया कि उसका जो क्या बोलते वैल्यू बढ़ता है, फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाता है,
फिर आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर को और हीट देते हो तो फिर पेज से चेंज हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, आपका वेपर फॉर्म में बदल जाता है, तो उसका जो मतलब वैल्यूम होता है बे इंतहा बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका बढ़ता है, ये बात मैंने आपको बताई। लेकिन ये हुआ क्या कि इसके बाद आपका सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, क्या सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हुआ। अगर हम क्या करें, एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से कम प्रेशर कर दें, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर करके देखते हैं, ये वाली लाइन जो कि ये ब्लू कलर वाली, ये ऊपर वाली होगी, तो आप क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना, तो याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आप देख रहे हो ये प्रेशर, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो पहले मेल्ट कितने हो रहा था, देखो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया। देखो मतलब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से यानी दाब बढ़ाने से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक, जिसे गलनांक आप हिंदी में बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। देखो डायग्राम में घटा नहीं घटा, ठीक। और देखो ध्यान से, पहले बॉइलिंग पॉइंट आपका ये था डी से ही, आप क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट देखो इससे ऊपर बन रहा है, यानी 100 से ऊपर, क्या देख रहे हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जो वाटर आपका, अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता था, उसका वो अब क्या करेगा, 110 या 105 या 120 डिग्री पे बॉयल करेगा, और उस समय उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। देखो बात समझ में आ रही है, ये समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे इसीलिए कुकर वाली बात मैंने अभी बताया था ना कि आपका ये ओपन होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो इसमें अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब इसमें जो अगर बंद कर दिए, ये इसके द्वारा इस पर दाब लगेगा जिससे आपका प्रेशर और बढ़ जाएगा इसके अंदर का। जब इसके अंदर का प्रेशर और बढ़ जाएगा, हम जानते हैं कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा जो आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, बोलो। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा तो गैस, अच्छा एक बात बताओ, गैस तो आपने उतना ही यूज किया ना, जो गैस आपने इसको दिया वही गैस इसको भी दिया, तो यही कंटेनर, ये भी समझ लो आपका। लेकिन इसमें जो खाना है वो उसके उसमें अंदर प्रेशर ज़्यादा था, वेपर प्रेशर का ना, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, जल्दी पक गया, इसमें ज़्यादा गैस, इसमें ज़्यादा खर्च हुई। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्यों हुआ, ठीक। अच्छा अब हम इसके बारे में बातें करते हैं। अब देखो प्रेशर को हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर से जो बनाया है, यहाँ पे देखो प्रेशर हमने घटाया, ये प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम प्रेशर, यहाँ पे वो लिखा P1 इज ग्रेटर देन PA मतलब PATM और ग्रेटर देन P2, ये आपकी लाइन जो प्रेशर लाइन बोली जाती है, पहले थे समझ लो, इसमें भी ये लाइन जो आपका ये ऐसे ऐसे गई थी, ये प्रेशर लाइन बोली जाती है, ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है ना। चलो अब देखो प्रेशर हमने जब घटाया है तो आप देखो, इस पहले आपका मेल्टिंग पॉइंट ये था, अब मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या हुआ, इससे ऊपर चला गया, मतलब बढ़ गया। तो सर एक बात और समझ में, अगर प्रेशर घटा दिया जाता तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्या, हाँ प्रेशर घटाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। कहोगे क्यों, अरे प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर वही बर्फ है उसका क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं कि बढ़ नहीं जाएगा, बताओ वो तो जीरो पे नहीं आपको पिघलेगी, बल्कि क्या बोलते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलेगी, मतलब उसको और हीट चाहिए ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी पिघलेगी यार, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, मतलब क्या सर, मतलब एक सीधा सा क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट घट गया मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बॉयल करेगा, बल्कि 80 पे भी बॉयल कर सकता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल कर, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल कर सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल कर सकता है। मतलब क्या समझ में आया सर, समझ में आया कि अगर प्रेशर घटा दिया जाए तो पहले ही बॉयल कर जाएगा, मतलब 100 डिग्री से पहले ही बॉयल कर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वाटर या लिक्विड कितने डिग्री सेल्सियस पे मतलब बॉयल करता है, तो आप पहले नहीं 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया करो, कभी मत बोलो, पहले कहो सर प्रेशर क्या है, अगर 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता है कहो 100 डिग्री सेल्सियस पे, व्हाट एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा का प्रेशर कहता है, ठीक, तो आप कहो क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस से एबव पे मतलब बॉयल करेगा। अगर वो कहता है कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर, तो कहो सर 100 डिग्री सेल्सियस से कम के प्रेशर पे बॉयल कर जाएगा,
बात मेरी समझ में आ रही है आपको यहाँ से? अच्छा एक चीज़ बताओ, यही रीजन है कि हमने आपको पढ़ाया है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता, बताया था ना हमने, ये भी बताया था वहाँ पे कि जब हम पहाड़ों पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पे खाना देरी से पकता है, लेकिन वाटर लगता बॉयल कर रहा है लेकिन एनर्जी नहीं होती है। देखो अगर ये यहाँ बॉयल कर रहा है तो 100 डिग्री से कम का टेम्परेचर है ना, तुम्हें बताओ। और ये भी बताया था मैंने ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब प्रेशर का मान घटता जाता। अब प्रेशर का मान जब घट गया देखो टेम्परेचर भी घट गया, तो उसके पास बॉयल तो कर रहा है एनर्जी नहीं। जैसे कोई आदमी होता देखते हो ना दुबला पतला सा होता है, थोड़ा सा बात कुछ बोलो पावर अगर नहीं है तो तुरंत एकदम लड़ जाता है, कहता होगा ये आग लगा देंगे करेंगे वो करेंगे, पता उसके पास पावर नहीं है, बॉयल कर रहा है बस, ओनली वन बॉयल कर। अभी एक थप्पड़ मारो उसको सही हो जाता है, बात मेरी समझ में आ रही है? इसका अन्यथा मान लीजिएगा मैंने जान के एग्जांपल लिया था इस समय में। तो क्या ये समझ में आया सर, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के कम पे ही बॉयल करता है, उसके पास पावर नहीं होती है उस मतलब क्या बोलते खाने को, मतलब क्या बोलते पकाने के लिए उतनी एनर्जी नहीं रहती है, इसीलिए आपका पहाड़ों पे जाने पर खाना क्या होता देरी से पकता है, बॉयल करता है लेकिन पकता नहीं, बाद में सुन रहे। आपको ये भी बताया था ऊपर जब जाते हो आप मतलब पहाड़ों पर या ऊंचाई पे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेशर क्या होता कम होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपसे बातें की, नाक से खून आ जाते हैं, कान से खून आने के रीजन क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले चैप्टर, ये बात समझ में आ गई होगी सर, ठीक। ये कंसेप्ट मैंने जान के इसको बना के समझाने का प्रयास किया कैसे होता है, बोलो ये समझ में। एक चीज़ और इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा था होगा, सर ये तो आप लिक्विड लिए, इसमें लिक्विड लिए थे, अगर इसी में आप पेट्रोल ले लो तो क्या होगा सर, उसको ही तो हम कहेंगे बाबू देखो जो पेट्रोल होता है उसके अंदर वेपराइजेशन कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ही वेपर करेगा, वेपराइज होगा, वो क्या करेगा ज़्यादा ही वेपराइज होगा, बात मेरी समझ में आई। इसके कंपेरिजन में क्या करेगा वो ज़्यादा वेपराइज होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ ये बात समझ में आ रही है। तो अब क्या जो वेपर प्रेशर होता है किस पे डिपेंड होता है उसकी बात हम करेंगे। पहली बात क्या होता है जो वेपर प्रेशर होता है वो नेचुरल जो लिक्विड है उस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा, ठीक। और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने आपसे बातें किया क्या बोलते हैं अगर मैं कहूँ पारा है पानी है तो पहले कौन बॉयल करेगा, तो आप जान रहे हो पहले मतलब क्या होता है वाटर, मतलब वाटर आपका बॉयल करेगा, ठीक है। ऐसे पानी है मिट्टी का तेल है अल्कोहल है, ठीक। अब कहें हम अल्कोहल में क्या होगा, तो अल्कोहल में क्या होगा बाबू, अल्कोहल ले लो और वाटर ले लो, तो अल्कोहल और वाटर में जो अल्कोहल होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। अब कहोगे क्यों, क्योंकि उसके लिए एक फार्मूला आता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है ना कम होता है जो एल्कोहल होते हैं, और इसमें जो इसके कंपेरिजन में वाटर के कंपेरिजन में कम होते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ कि आपका पेट्रोल में, तो पेट्रोल के भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देते, ठीक आप टू मॉलिक्यूल्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका जो पेट्रोल में होता है कम होता है, इसलिए आपका वेपराइजेशन क्या होगा तेजी से होता है, वेपराइजेशन क्या होगा उसका वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। ये सब बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी, ठीक। वेपर प्रेशर होता क्या है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी कंडीशन ऑफ बॉयलिंग, ठीक। तो जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए लिक्विड के प्रेशर से, तब जाके वेपराइजेशन होगा, ठीक है, बॉयलिंग की कंडीशन यहाँ पे। और लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर से अधिक या बराबर होना चाहिए, ठीक। अच्छा अगर वेपर प्रेशर का मान घट जाता है तो जो वाटर है या लिक्विड है उसको बॉयल करना डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे ये बात बताया मैंने, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ बताने का प्रयास किया है कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बॉयल करना आसान हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ समझाते, देखो अब ये आप बताओ इसमें अगर वेपर प्रेशर का मान कम, मतलब इसमें वाटर की जो वेपर है कम होगी तो उसकी लिक्विड सतह पे दाब भी कम डालेंगे। जब दाब कम डालेंगे तो बताओ क्या आपका बॉयल करेगा लिक्विड? नहीं करेगा, उतने आसानी से बॉयल नहीं होगा। ऐसे ही आपको वेपर प्रेशर मान बढ़ेगा, टोटल प्रेशर का मान बढ़ा गया ही बढ़ा तो ईजी से बॉयल हो जाएगा। ये बात मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को भी शेयर कर दीजिए, बहुत लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आती। ओके, अगला पार्ट क्या बोलते हो वेपर प्रेशर के जब हम बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्यों जो है क्या बोलते हो कहीं पानी गिर जाता है तो सूख जाता है, वो भी गर्मी के सीज़न में, ना कि ठंडी के। ठंडी के सीज़न गिरता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है, बरसात में होता तो वो नहीं सूखता है। ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक? तो अगला वीडियो भी देखिएगा, आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा, कई सब्जेक्ट भी इससे क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, आज के लिए थैंक यू।